हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे महत्वपूर्ण संगठनों के बारे में। तो आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे UNOOSA के बारे में। इसे क्या कहते हैं? यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स, और हिंदी में क्या कहते हैं इसे? बाहरी अंतरिक्ष मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय। यह बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। आपका UNOOS अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून के तहत महासचिव की जिम्मेदारियों को लागू करने और बाहरी अंतरिक्ष में लॉन्च की गई संयुक्त राष्ट्र रजिस्टर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को मेंटेन रखने के लिए भी जिम्मेदार है। आपका UNOOSA। अगर हम लोग इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है आपका वेना ऑस्ट्रिया में। कहाँ है इसका मुख्यालय? वेना ऑस्ट्रेलिया। अब हम लोग इसके इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं। UNOOSA के इतिहास के बारे में, बाहरी अंतरिक्ष मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय को शुरू में संयुक्त राष्ट्र की सचिवालय के भीतर एक छोटी विशेषज्ञ इकाई के रूप में महासभा के रिजोल्यूशन 1348 द्वारा 13 दिसंबर 1958 को स्थापित किया गया था। अगर पूछ ले आपका कि UNOOSA की स्थापना कब हुई, 13 दिसंबर 1958 को, और इसका मुख्यालय वीना ऑस्ट्रिया में है, ठीक है। 1993 में इसके कार्यालय को वेना में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया। अब हम लोग UNOOSA के कार्यों की बात कर लेते हैं। तो इसके अंतर्गत विभिन्न संस्थाएं, सचिवालय और कार्यक्रम संचालित होते हैं, जिनके कार्य निम्नलिखित हैं। COPUOS का सचिवालय, इसके माध्यम से बाहरी अंतरिक्ष की खोज, अंतरिक्ष अन्वेषण, भू राजनीतिक परिवर्तन, अंतरिक्ष विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के उपयोग से सतत विकास प्रगति पर चर्चा मॉनिटरिंग का कार्य किया जाता है। अंतरिक्ष अनुपयोगों पर कार्यक्रम 1971 के द्वारा दुनिया भर में अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के ज्ञान और अनुभव को साझा कर विकासशील देशों के मध्य विभिन्न अंतरों को कम करने में मदद मिली है। यूएन स्पाइडर अर्थात द यूनाइटेड नेशंस प्लेटफॉर्म फॉर स्पेस एंड वेस्ट इंफॉर्मेशन फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इमरजेंसी रिस्पांस सीमित पहुंच वाले विकासशील देशों की आपदा जोखिम देशों की आपदा जोखिम में कमी लाने हेतु तकनीक विकसित करने में सहायक है। ICG अर्थात द इंटरनेशनल कमेटी ऑफ ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम सभी सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम के बीच संगतता, अंतर और पारदर्शिता की सुविधा प्रदान करता है। ये आपका यूएन स्पेस संयुक्त राष्ट्र प्रणाली संस्थाओं के बीच बाहरी अंतरिक्ष से संबंधित मामलों पर इंटर एजेंसी बैठक के वार्षिक सत्र आयोजित करता है। अंतरिक्ष कानून अंतरिक्ष से संबंधित गतिविधियों को नियंत्रित करने का कार्य करता है। दुनिया भर के समुदायों को अंतरिक्ष
प्रौद्योगिकियों के उपयोग और लाभ के लिए सक्षम बनाना इसके उद्देश्यों में शामिल है। अब हम लोग UNOOSC के अन्य बिंदुओं के बारे में बात करेंगे। अंतरिक्ष अनुप्रयोगों पर संयुक्त राष्ट्र का कार्यक्रम के माध्यम से UNOOSA उन विषयों पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशालाओं, प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों और पायलट परियोजनाओं का संचालन करता है, जिसमें विकासशील देशों के लाभ के लिए सुदूर संवेदन उपग्रह नेविगेशन, उपग्रह मौसम विज्ञान, टेली शिक्षा और बुनियादी अंतरिक्ष विज्ञान शामिल है। नोट, COPUOS अर्थात कमेटी ऑन द पीसफुल यूजेज ऑफ आउटर स्पेस बाय अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण आयोग पर एक समिति है, जिसकी स्थापना 1959 में महासभा द्वारा की गई थी। तो ये थी पूरी आपकी कहानी UNOOSA यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र कार्यालय बाहरी अंतरिक्ष मामलों के लिए है। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड के बारे में।